नमस्कार दोस्तों, आज मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि किसी भी मोटर का तार कैसे निकालें। अगर मोटर का तार ना निकाल रहा हो तो उसको कैसे निकालें, तो बने रहिए वीडियो पर। मैं अभी दिखाता हूं कैसे निकालना है। ये मेरा 0.5 HP का मोटर है, 0.37 kW है। तो इसका मैं अभी तार निकाल के दिखाता हूं कि इसका तार कैसे निकालना है। फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में मैंने दिखाऊंगा इसकी बाइंडिंग कैसे की जाती है, इसका पूरा डाटा बताएंगे आप लोगों को। तो बने रहिए वीडियो पर, मैं दिखाता हूं। सबसे पहले ये एक चीज़ लेंगे छेनी, इसके बाद ये हैमर है हथौड़ी, इस दोनों की मदद से हम इसके तार को पहले यहाँ से काटेंगे। पूरा यहाँ से काट देंगे, ऐसे लगाएंगे, यहाँ ऐसे रखेंगे और ये छेनी को सीधे यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगा के और ये हैमर मारेंगे यहाँ। ये छेनी यहाँ लगाया और सीधे इधर से हैमर की मदद से यहाँ मार देंगे। चलिए दोस्तों, मैं इसको काट के फिर बताता हूँ आप लोगों को। देखिए दोस्तों, मैं इसको ये काट लिया हूँ तार, ये पूरा अलग कर दिया इतना। अब यहाँ जो है इसके ये जो लचके इधर मुड़े हुए हैं, इनको सीधा करेंगे पहले पेचकस की मदद से, और सीधा करके फिर इधर से स्क्रू ड्राइवर से निकाल लेंगे इधर को, यहाँ डाल डाल के स्क्रू ड्राइवर। चलिए दिखाते हैं हम। देखिए दोस्तों, इसको पेचकस की मदद से ये जो दब गए हैं इनको उठाना है, इसे ये जो बड़े बड़े हैं इनको ऐसे उठा देंगे। ये इनको सबको उठा देंगे और फिर हम आएंगे इधर, इधर ये पेचकस डाल के ऐसे देखिए दोस्तों, यहाँ पेचकस डाल के उठा देंगे तो निकल आएगा। दोस्तों मेरा स्क्रू ड्राइवर थोड़ा छोटा था तो मैंने ये रॉड लिया और इसको यहाँ पकड़ के ऐसे देखिए दोस्तों, हमारा ये तार किस कितना आसानी से निकल रहा, कितना बढ़िया निकल रहा। यहाँ मैं फंसाया और यहाँ पकड़ के इसको उठा दिया और ऐसे कर दिया, ये तार निकला। इसी तरह पूरे कॉइल निकालना है। ये हुआ। अब इसको यहाँ से पकड़ के खींच लेंगे ऐसे, ये हुआ। ये इस तरह निकल रहा है। अगर आप दोनों साइड काट देते हैं तो तार निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। निकल आएगा, ऐसा नहीं कि निकलेगा नहीं, निकलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मोटर की तार हमेशा दोनों साइड से कभी ना काटें, सिर्फ एक साइड से काटें, या पीछे से या आगे से, एक साइड से काट के दूसरी साइड से फंसा के निकाल लें। चलिए बने रहिए वीडियो पर, मैं पूरा तार निकाल के दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं स्टार्टिंग की पूरी कॉइल निकाल लिया हूँ और मेरे पास बची है ये रनिंग की कॉइल, तो मैं इसको अब निकालूँगा। तो सेम उसी तरह ये रॉड फंसा के और इस कॉइल को भी निकालना, जैसे हम रनिंग की कॉइल निकालें इस तार इस रॉड की माध्यम से। तो चलिए बने रहिए वीडियो पर, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये यहाँ ऐसे रखा मोटर को और यहाँ फंसाया, ये यहाँ यहाँ फंसाया और ऐसे उठा दिया। देखिए दोस्तों,
हमारी कॉइल रनिंग कॉइल निकल कर बाहर आ चुकी है। ये मेरा रही रनिंग कॉइल, ये रनिंग का एक छल्ला निकल के बाहर आ गया है और एक दूसरा बचा हुआ है। चलिए मैं उसको भी निकाल के दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं इसके पूरे तार निकाल लिया हूँ। ये पूरे तार निकल चुके हैं रनिंग और स्टार्टिंग के। अब रही बात दोस्तों ये कि आप लोग सोचेंगे कि ये मोटर जली तो नहीं है, क्यों काट दिया। तो ये मोटर क्या है कि पानी में डूब गई थी कुएं में। पानी में डूब जाने की वजह से ये एल्युमिनियम के वायर जो हैं, तो इनके यहाँ से ये यहाँ से सूजन आ गए थे वायर में। तो जब इसमें करंट पावर देते थे तो यहीं से कहीं यहाँ से ये फॉल्ट मार देता था और स्पार्क करके टूट जाता था इसी वजह से। और इसका मेन रीज़न है कि ये कॉइल जली हुई है, ये कि जल भी गया है। मोटर पानी में डूबी थी और कस्टमर ने उसको चला दिया, ये मोटर जल गई थी, बाकी और जली नहीं दिख रही, ये जली हुई है। इसी वजह से इस मोटर को काटना पड़ा और नई वायरिंग होगी। तो चलिए बने रहिए वीडियो पर, मैं इसकी नई वायरिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि इसको किस तरह से बाइंड किया जाता है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।